हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी यू विज देम रीडिंग है, लाइक आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उस मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैवन ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। कैंसर्स के लिए पहला कार्ड मैं निकालूंगी फॉर कैंसर, और फिर कैंसर के पर्सन के लिए। ओके, अंडरनीथ आपके पास है एस ऑफ कप्स। तो यस, न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू इमोशनल बिगनिंग। आपके हैप्पी फुलफिल्ड रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान बन रहा है आफ्टर अ कन्फ्यूजन। पास में बहुत कन्फ्यूजन रही है, बट अब जो है एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपको बहुत इंतज़ार है और आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ से डिलेज हो रहे हों कैंसर्स, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, या आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी सक्सेस में, अपनी लाइफ की सक्सेस में लगे हुए थे। बट अब जो है मुझे लगता है यू आर वेटिंग, लाइक आप वेटिंग पर हैं इस पर्सन के लिए, और वो पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाई दिस हैंगमैन इज़ हियर। यहाँ पे हैंगमैन क्यों है फॉर कैंसर, कैंसर के लिए यहाँ पर हैंगमैन क्यों है। व्हाई दिस हैंगमैन इज़ हियर फॉर कैंसर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी के यहाँ पे कैंसर्स के लिए हैंगमैन क्यों है। यस, आप इंतज़ार करें उस पर्सन की तरफ से अपॉलोजी का, या उस पर्सन की तरफ से किसी जेस्चर का कि वो शो करें आपको। आपने वेट किया बहुत ज़्यादा, आप बहुत इंतज़ार में थे कि दोबारा से रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट कब होगा। यस, आप जाना चाहते थे उस पर्सन के पास। यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो इट्स मीन कि एक न्यू आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप खुद को चेंज कर रहे हैं उस पर्सन के हवाले के लिए। तो पास में जो गलतियाँ हुई हैं उससे अपने आप को चेंज ला रहे हैं अपने अंदर, ताकि आपको सक्सेस मिल सके इस रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं आप। बहुत वेट किया आपने या कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ बेहतर हो जाए, आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, अब आप जो है वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं, सोच समझ के कोई फैसला कर रहे हैं। पहले पास में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस रहे हो, लेकिन अब जो है आप में पेशेंस आ रहा है, आप विजडम से काम ले रहे हैं, आप खुद से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं और आप उस पर्सन का ही वेट कर रहे हैं। यस, स्टिल आप उस पर्सन का वेट कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत एफर्ट इस रिलेशनशिप में डाली है। तो अब आप चाहते हैं कि वो पर्सन आए और आपका, आप इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट डाले, तो इसलिए आप वेटिंग पर ही हैं। क्योंकि यस, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल किया हुआ इस वक्त, इंतज़ार आप कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि आप खुद से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज ना करें, या पास में हो सकता है आपने ऐसा किया हो। लेट्स सी कि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्या क्यों है फॉर कैंसर्स पार्टनर, कैंसर्स के पार्टनर के लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, उन्हें कोई रियलाइजेशन हो रही है, उन्हें कोई क्लैरिटी मिल रही है। ये भी रियलाइजेशन का कार्ड है, लाइक वो किसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि उनको कुछ समझ आ रही है, वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके लिए। तो ये क्लैरिटी उन्हें मिली है, और ये सेपरेशन में रहने की वजह से ही क्लैरिटी उन्हें मिली है, और वो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है इस रिलेशनशिप के लिए कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान बेहतर होंगी। इस पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर वो आपके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप बना सकते हैं, बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं और वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जो है वो आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही है, लाइक इंटरवीन कर रही है ताकि बैलेंस ला सके आप दोनों के इमोशनल रिलेशनशिप में। तो यस, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी और वो आपकी तरफ ज़रूर देखेंगे। हो सकता है पास में उनके पास कोई थर्ड पर्सन भी था जिसके हवाले से उनको एक क्लैरिटी मिली है कि
शायद वो ये रियलाइज़ कर सके हैं कि उनको आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने जो करंट पार्टनर है उसके साथ। बट आई फील कि उन्हें ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि वो आप उनको आपकी तरफ जाना चाहिए और वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। लेट्स सी के एडवाइजेस क्या हैं यहाँ पर रोमांस एंजल ओरेकल की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो अगर आप अपने अपने लिए कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे थे तो यही वो पर्सन है जो जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप बन सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप गॉड ने बनाया है। कहते हैं ना कि जो जोड़े आसमान पे बनते हैं, तो हमें फिर फील भी होता है ये जब हम अपने पार्टनर को देखते हैं जिसका साथ हमारा जोड़ा बना हुआ है कुदरती तौर पर। तो जब उसको देखते हैं तो हमें फील होता है कि ये इसको तो हम जानते हैं ये, क्योंकि ये हमारे जैसा है, क्योंकि हमारा जो पार्टनर होता है वो हमारे ही जैसा होता है। सो वेडिंग्स विद दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो यस, इस रिलेशनशिप में मैरिज हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है इस पर्सन से। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो अपने पार्टनरशिप पे वर्क करें, इस रिलेशनशिप को चांस दें। ये आप लोगों के लिए एडवाइजेज हैं। इंगेजमेंट, तो यस, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो जो भी लेवल था आपका रिलेशनशिप का, वो एक लेवल बढ़ जाएगा। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप फॉर कैंसर्स और उनके पार्टनर के दरमियान क्या हो सकता है। यस, अगर आप लोग इनडिसाइसिव थे या आपके पार्टनर इनडिसाइसिव थे, कोई एक पर्सन भी इनडिसाइसिव था, तो वो डिसीजन अब बना चुका है या बना लेगा इन फ्यूचर में कि उन्हें क्या डिसाइड करना चाहिए अपनी लाइफ में। यस, हीलिंग आ रही है, आप दोनों एक दूसरे को हील करें, इस रिलेशनशिप को हील करें, और आप लोग आपकी कोई बिग डिज़ायर पूरी हो सकती है। आप स्टॉक कर रहे हैं, आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है इस पर्सन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट। तो कमिटमेंट यहाँ पर आ रही है इस रिलेशनशिप में आपके लिए। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी और कमिटमेंट आपको मिल सकती है। यस, जो भी डिफरेंसेस थे आप दोनों के दरमियान, आप उन सबको हील करके, रिजॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।